आज का रेसिपी सरसों का साग। ये देखिए, हम इसे इसको ऐसे धो के दो तीन बार धो के उसे अच्छी तरह उसको छोटा छोटा कट कर दिए हैं। उसमें हम देंगे ये लहसुन, अदरक, कच्चा मिर्च और ये धनिया पत्ता और घी। घी की जगह में आप बटर भी दे सकते हैं। और इस सब को हम अभी सबको एक कढ़ाई में बॉईल करेंगे। ये देखिए, हम ये कढ़ाई में धनिया पत्ता, लहसुन, कच्चा मिर्च, अदरक और सरसों का साग देखिए उसको हम बॉईल कर देंगे। अभी हम ये साग सब बॉईल हो गया है, उसको हम ग्राइंडिंग कर देंगे। चाहे तो आप कढ़ाई में ही पूरा पेस्ट कर दीजिएगा, लेकिन ग्राइंडिंग करने बेस्ट होगा, इसीलिए हम ग्राइंडिंग कर लेते हैं। ये देखिए, तेल गरम हो गया है, उसमें हम अभी फोड़न डालेंगे। इसमें जीरा, आपका जीरा और राई और अजवाइन ज़रूर दीजिएगा। ये सरसों का साग थोड़ा कड़वा रहता है। और उसके बाद इसमें हींग देखिए, हींग दे दीजिए। और ये मेरा ये जो पेस्ट है, देखिए पेस्ट तो बना दिए हैं, हम देसी स्टाइल ही बनाते हैं। इधर देखिए, जीरा, अजवाइन और आपका राई थोड़ा सा हो गया है। सरसों का तेल ही दिए हैं। पेस्ट किया हुआ साग देंगे। साग को तो हम पहले बॉईल कर दिए थे, कच्चा लहसुन, कच्चा मिर्च, धनिया पत्ता और साग, उसमें हम नमक नहीं दिए थे और ये ग्राइंड करना हुआ कर हुई थी, उसमें किए थे, उसमें पानी थोड़ा दे देते हैं और उसको हम चलाएंगे। और इसमें हम अभी थोड़ा सा हल्दी और नमक दे देते हैं।